दोस्तों, आज स्टूडियो की तरफ आते समय मैंने एक जंगल की तरफ से खटखट खटखट की आवाज सुनी। वो खटखटाहट बड़ी सटीकता से एक निश्चित अंतराल पर आ रही थी, मानो एक मजा हुआ कारीगर अलार्म लगाकर लकड़ी पर चोट कर रहा हो। कुछ इस तरह से, आप भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में, और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंगिनवाल। जी हां दोस्तों, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी कुमाऊं की पक्षी नामक श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर आ रही है, और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वुडपैकर्स यानी कठफोड़ों पर। दोस्तों, सर्दियों की शांति को भंग करती हुई वो खटखटाहट कोई और नहीं बल्कि हमारे जंगल का बढ़ई यानी कठफोड़ा कर रहा था। दोस्तों, मुझे यकीन है आपने भी इसकी खटखटाहट और आवाज जरूर सुनी होगी, पर क्या कभी आपने इस खटखटाहट का कारण जानने की कोशिश की है? तो क्यों ना आज हम इस बेहद रोचक और महत्वपूर्ण पक्षी समूह के बारे में बात करें। कठफोड़े या अंग्रेजी में वुडपैकर के नाम से जाने जाने वाले इस परिवार के सदस्य दुनिया भर में पाए जाते हैं। कुछ सुदूर महाद्वीपों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर और अत्यंत ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर भारतवर्ष में कठफोड़ों की कुल 33 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे हिमालय के जंगल उनमें से 50% से अधिक कठफोड़ों की प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। इस परिवार के मुख्यतः प्रजातियों में नर व मादा के रंग में अंतर होता है। अन्य पक्षियों के विपरीत कठफोड़े उधर्वाधर यानी लंब रूप में पेड़ों के तनों या डालियों पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और इस विशेष चढ़ाई में उनका साथ देते हैं उनके पंजों की विशिष्ट व्यवस्था और मजबूत पूंछ। आपने कभी गौर किया हो कि कैसे पक्षियों के 3 पंजे आगे और 1 पीछे की तरफ होता है, पर कठफोड़ों के 2 पंजे आगे और 2 पीछे की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों पर अच्छी पकड़ बना पाते हैं। कठफोड़ों की पूंछ मजबूत वो सीधी होती है। पूंछ पेड़ के तने पर चढ़ते समय सहारा देती है, साथ ही पकड़ को मजबूत बनाती है। कठफोड़ों का भोजन मुख्यतः दीमक, चींटियां, डंकहीन मधुमक्खियां, भ्रंग और छोटे कीट होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा कठफोड़ा भी हिमालय की तलहटी वाले साल के जंगलों में पाया जाता है? करीब 0.5 मीटर की लंबाई वाला ग्रे स्लेटी वुडपैकर ऊपर से लेकर नीचे तक हल्का स्लेटी रंग का होता है, पर इसकी ठुड्डी और गाल हल्के पीले रंग के होते हैं। नर और मादा पक्षियों की पहचान नर के गालों पर संतरी रंग की चकत्ती से की जाती है। अन्य कठफोड़ों के विपरीत ग्रेट स्लेटी वुडपैकर ऐसा कठफोड़ा है जो संयुक्त परिवार में रहता है, जहां बच्चे अपने माता पिता के साथ रहकर अपने नए भाई बहनों का पालन पोषण में मदद करते हैं और कुछ वर्ष बाद अपने परिवार की शुरुआत करने के लिए चले जाते हैं। कठफोड़े सामान्यतया पेड़ों में कोटरे बनाकर उसमें अंडे देते हैं, और आकार अनुसार ग्रेट स्लेटी वुडपैकर बड़े पेड़ों को अपने कोटरों के लिए चुनता है। कटते जंगल, खास करके बड़े पुराने पेड़ इस विशालकाय कठफोड़े के भविष्य पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा है। कठफोड़ा पेड़ों की सूखी छाल भेदकर अपना भोजन ढूंढता है, और इसी कारण इसका नाम कठफोड़ा पड़ा है। तो जो खटखट हमें सुनाई पड़ती है वो इनकी चोंच से पेड़ों के तनों और शाखाओं पर चोट करने की वजह से आती है। हमारे साल और बांज के जंगल मुख्यतः कठफोड़ों के गढ़ हैं। इन पेड़ों के तनों की छालों में प्राकृतिक दरारें और विभिन्न प्रकार के कीड़ों का आवास होता है, जिन्हें ये पक्षी अपनी लंबी और मजबूत चोंच का इस्तेमाल कर पकड़ लेते हैं। यही नहीं बल्कि इनकी खोजबीन से जब छाल के नीचे कीड़े भागदौड़ करते हैं तो कीड़ों की आवाज भी इन्हें सुनाई दे जाती है। फिर ये ज्यादा आवाज वाले स्थान पर खुदाई शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको ये तो नहीं लग रहा कि लकड़ी कुरेदते वक्त इनके आंखों में लकड़ी का बुरादा तो नहीं पड़ता? जैसे हमारी पलकें धूल, मिट्टी या तिनकों से हमारी आंखों को बचाती हैं, वैसे ही कठफोड़ों की आंखों के ऊपर पलकों के अलावा एक महीन झिल्ली होती है जो इच्छा अनुसार पुतलियों को ऊपर से ढांप लेती है। ये झिल्ली बिना नजर कम किए गिरते बुरादे और तिनकों से आंखों की रक्षा करती है, और कठफोड़ों की नासिकाओं के बाहर पुरुषनुमा छोटे छोटे पंख लकड़ी के बुरादे या तिनके को इनकी नाक में जाने से बचाते हैं। हालांकि अधिकतम कठफोड़े कीड़े और दीमकों को अपना भोजन बनाते हैं, पर एक प्रजाति है जो पेड़ की बाहरी छाल के नीचे
खानेदार तंतु में छेद कर उसका अर्क भी पीता है। इस अर्क को पीने के लिए इसकी जीभ की नोक बुरुसनुमा होती है। मैं बात कर रहा हूँ रूफस बेलेट वुडपेकर की, जो पूरे एशिया में अर्क पीने वाली प्रजातियों का सिर्फ एक ही प्रजाति है। ₹1500 से ₹3000 की ऊंचाई के बीच ओक के जंगल इस पक्षी का आवास है। तिलौंज, देवदार, चीड़, पाइन, काफल, तुन के तनों पर पूरी गोलाई में 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटी कोटरे इस पक्षी के होने का प्रमाण देते। दोस्तों, रूफस बेलेट वुडपेकर लगभग मैना के आकार का पक्षी है। नाम अनुसार इसका पेट नारंगी कत्थई रंग का, कंधे से पूंछ तक का भाग काला जिस पर छोटे सफेद चकत्तियां होती हैं, और दुम के नीचे का भाग चटक लाल रंग का होता है। नर के सर का रंग लाल और मादा का काला होता है। दोस्तों, पक्षी अपनी आवाजों और कानों के जरिए अपने मीत को लुभाते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को चेताते हैं। क्योंकि कठफोड़ों के गाने नहीं होते, इसलिए इस काम में भी लकड़ी का उपयोग एक साज की तरह करते हैं। ये किसी खोखले टहनी या पेड़ को तीव्र गति से ठोकते हैं, जो बिल्कुल वैसे ही गूंजती है जैसे पहाड़ों में हमारी पुकार। कठफोड़ों द्वारा की गई इस विशेष आवाज को ड्रमिंग कहा जाता है। यह ड्रमिंग एक तीर से दो निशाने का काम करती है। जहाँ दूसरे प्रतिद्वंदी कठफोड़ों के लिए एक चेतावनी है, वही प्रजनन के लिए तैयार कठफोड़ों के लिए प्रेम गान। जहाँ बड़े और मध्यम आकार के कठफोड़े तने और बड़ी शाखाओं पर भोजन ढूंढते हैं, वही पेड़ों की एकदम बारीक शाखाओं पर एक बेहद छोटा कठफोड़ा स्पेकल्ड पिक्यूलेट कीड़ों के अंडों, चींटियों, मकड़ियां ढूंढता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों, आकार में गौरैया से भी छोटा ये कठफोड़ा ऊपर से हल्के भूरे और नीचे से सफेद रंग का होता है। इसके निचले सफेद शरीर में छोटे छोटे काली बिंदियां होती हैं। आंखों के ऊपर नीचे सफेद धारियों की वजह से ये पक्षी बेहद ही मनमोहक लगता है। कठफोड़े के प्रजनन का समय फरवरी से जुलाई के बीच होता है। प्रजनन के समय ये अक्सर आवाजें करते हैं, जैसे कि ये स्केली बेलेट वुडपेकर। कठफोड़े पेड़ में कोटरा बनाकर अंडे देते हैं। नर व मादा दोनों मिलकर बच्चों को पालते हैं। कठफोड़ों के द्वारा बनाई गई कोटरे न सिर्फ उनके परिवार के पालन पोषण में काम आती हैं, बल्कि कई अन्य पक्षी और वन्य जीव इन कोटरों को प्रजनन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इन पक्षियों का हमारे जंगलों में होना न सिर्फ जंगलों को हानिकारक कीटों जैसे लकड़ी भेदी दीमक और भृंगों से बचाता है, बल्कि अनगिनत वन्य पक्षियों और जीवों को बहुमूल्य कोटरें भी प्रदान करता है। दोस्तों, तो है ना कठफोड़े किसी डाट के पत्थर की तरह, जो जंगल और उसकी विविधता को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत कुछ है जो हम इंसान इन पक्षियों से सीख सकते हैं, जैसे कि आपसी सौहार्द। तो दोस्तों, कठफोड़ों की दुनिया के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रमन कुमार देहरादून से। कुमारवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर रमन कुमार देहरादून से हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो वुडपेकर्स यानी कठफोड़ों पे है, और इस विषय पर मैं पिछले 15 साल से अपना शोध कर रहा हूँ। सर, कठफोड़ों का महत्व क्या है, क्यों ये हमारे जंगल के लिए जरूरी हैं? साथ ही ये भी बताएं कि कठफोड़े जब साल, तून और बांज के मजबूत तनों को लगातार चोट करते हैं, तो इनका मस्तिष्क इस घात से कैसे सुरक्षित रहता है? जहाँ कठफोड़े होते हैं, जिस जंगल या जिस जगह पर, वहाँ जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकौड़े होते हैं, उनकी संख्या लगभग 40% कम होती है। एक ये बहुत बड़ा योगदान है उनका, क्योंकि कठफोड़े उन गिने चुने जीवों में से हैं जो पेड़ों में सुराख या कोटरे बना सकते हैं। ये अपने लिए तो बनाते ही हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कई और जीवों को घोंसले भी बनाते हैं। कठफोड़े अपना भोजन पाने के लिए अक्सर लकड़ी के तनों में सुराख करते हुए देखे जाते हैं, जिस तेज चोट पहुंचाते हैं लकड़ी को, और लकड़ी को भेद भी देते हैं। तो जाहिर है कि इसमें बहुत ही ज्यादा फोर्स
उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि इस तरह से ये बचे रहते हैं इसके कुप्रभाव से, तो उसका जवाब ये पाया कि कठफोड़ों की उत्पत्ति इस तरह हुई है कि उनका जो दिमाग है उसका जो घनत्व है वो काफी अधिक होता है बाकी पक्षियों और जानवरों के मुकाबले। सो समझ सकते हैं कि गूंथे हुए आटे की तरह पाया गया है, दिमाग का जो पदार्थ है वो काफी घनत्व या घना होता है जिस कारण वो ये आघात को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मेरे शोध का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि ग्रेट स्लेटी वुडपेकर, जो अब विश्व का सबसे बड़ा वुडपेकर माना जा रहा है, उसके जो बनाए हुए कोटरे या खोक होते हैं उसमें कई और पक्षियों और जीव जंतुओं की नजर रहती है। सिर्फ ग्रेट स्लेटी पर ही लागू नहीं है ये बात, ये सभी कठफोड़ों की प्रजातियों पे लागू है। कई बाकी पक्षी, मान लीजिए गिलहरियां और उल्लू, गोह और सांप और इवन मधुमक्खियां, उन कोटरों का इस्तेमाल करती हैं। प्रतिस्पर्धा काफी तगड़ी होती है कोटरों के लिए, क्योंकि जरूरत बहुत जीवों को होती है, बनाने वाले कम होते हैं। इसमें हमने देखा फील्ड वर्क के दौरान मैना, जिसे सिटॉल बोलते हैं पहाड़ी में, वुडपेकर्स और सिटॉल यानी मैना में पाई। मैना जबकि साइज में छोटी होती है, आकार में छोटी होती है, लेकिन वो इतना ज्यादा परेशान कर देती हैं वुडपेकर्स को कि उन्हें वो छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। इसके अलावा गोह जो होता है, एक छिपकली की एक प्रजाति है, बहुत बड़ी छिपकली, ये भी कठफोड़ों द्वारा बनाए गए खोकों पर कब्जा कर लेते हैं और यहाँ तक कि वो इनके अंडे और बच्चे भी खा लेते हैं। तो इसके अलावा कई और जीव हैं जो जैसे चमगादड़े हैं, पक्षियों में तो बहुत ही हैं, कम से कम एक दर्जन प्रजातियां मैंने अपनी आंखों से देखी, लेकिन इसके अलावा बीसियों प्रजातियां ऐसी हैं जो कठफोड़ों के खोकों पर निर्भर करती हैं। आम लोग कठफोड़ों की के संरक्षण में कई प्रकार से योगदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि कठफोड़े उनके दुश्मन नहीं है, उनके दोस्त ही हैं। और खेतों के आसपास अगर हम कुछ पेड़ लगा दें, सीधे तने के कुछ पेड़ हों जिन्हें कठफोड़े इस्तेमाल कर सकें, अपने खेतों के मेंड पर कुछ पेड़ अवश्य छोड़ दें कठफोड़ों के लिए और उगाएं भी। ये ध्यान में रहे कि अगर पेड़ मर जाता है तो अक्सर उसको बेकार माना जाता है और उसे काट दिया जाता है, लेकिन कठफोड़ों के नजरिए से ये काफी महत्वपूर्ण संसाधन होता है, तो उन्हें बिना काटे कठफोड़ों के लिए काफी लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता मित्रों, जैसे हमारे कुमाऊं के घरों की शान इसके पुराने घरों के दरवाजे और खिड़कियों में की गई अद्भुत कारीगरी यानी लिखाई कला है, वैसे ही हमारे जंगलों की शान हमारे कठफोड़ों की कारीगरी वाले कोटरे हैं। ये दोनों हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और इन कारीगरों की सुरक्षा हमारे कुमाऊं के उज्ज्वल भविष्य का वादा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस विशेष पक्षी कठफोड़े से मिलकर? अपनी राय और विचार हमें जरूर बताएं। अगर आपने भी इस पक्षी को अपने घर या खेतों में कोटरे बनाते, भोजन ढूंढते देखा है, तो उसके रंग, आकार, कोई खास व्यवहार को आपने देखा हो तो हमें जरूर बताएं। श्रोता मित्रों, साथ ही इन कठफोड़ों से जुड़ी कोई कहानी या कोई किस्सा जो आपने घर के बुजुर्गों, आमा बूबू से सुनी हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। और साथ ही आप भी अपने बच्चों को और युवा पीढ़ी को इन पक्षियों के बारे में और इनके महत्व के बारे में बताएं, और साथ ही रेडियो कुमाऊंवाणी के साथ भी ये जानकारी आप साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9536476660। इसी के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से रेडियो कुमाऊँवाणी द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है।
स्क्रिप्ट लेखन डॉक्टर मोनिका कौशिक द्वारा, पक्षियों की आवाजें विरल जोशी और पीटर बोसमन के सहयोग से प्राप्त हुई हैं।